नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, और एचपी जीके का ये सेक्शन जो है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर का है या फिर कोई और एग्जाम है जो हिमाचल से रिलेटेड है, उन सभी में आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिलेगी। 183 क्वेश्चन देखिए, 183 क्वेश्चन अब पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक मंडल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 3। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये कौन कौन से हैं? तो एक तो शिमला हो गया, एक कांगड़ा हो गया, और एक कौन सा हो गया तीसरे नंबर पर, मंडी। ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हिमाचल प्रदेश में आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन प्रशासनिक मंडल है वो कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल जो है वो है मंडी मंडल। मंडी के अंदर अंडर जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मंडी के अंदर एक तो मंडी आता है, उसके बाद हमीरपुर आता है, कुल्लू आता है, बिलासपुर आता है, लाहौल स्पीति आता है। तो ये अलग अलग जिले मंडी प्रशासनिक मंडल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंडर आते हैं। ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट ट्री है, तो स्टेट ट्री कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? ऑप्शन सी देवदार। देवदार हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है। अब स्टेट ट्री के बारे में आपको पता चल गया, हिमाचल का स्टेट एनिमल हो गया, स्टेट बर्ड हो गया, स्टेट फ्लावर हो गया, ये सब तो आपको पता होंगे। आज एक हम नेशनल लेवल के जीके का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग ट्रीज जो हैं, स्टेट ट्री, राज्य वृक्ष, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश का नीम जो है वो स्टेट ट्री है। अरुणाचल प्रदेश का होलोंग एक ट्री है, वो अरुणाचल प्रदेश का भी है और असम का भी है। उसी तरह गोवा का क्या है, गोवा का जो है वो कोकोनट है। गुजरात का क्या है, गुजरात का बनियान है। और उसके बाद झारखंड की बात करें तो साल ट्री, साल का जो पौधा होता है वो झारखंड का स्टेट ट्री है। कर्नाटका की बात करें तो सैंडलवुड, जो चंदन का पेड़ होता है, वो कर्नाटका का है। केरला की बात करें तो केरला का भी कोकोनट है और गोवा का भी कोकोनट है। ये दो चीज़ें याद रखिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का मैंगो है। उसी तरह अगर और भी कोई स्टेट बसता है उसमें पंजाब आ जाता है, तो पंजाब में इंडियन रोजवुड जो है वो पंजाब का स्टेट ट्री है। उत्तराखंड की बात करें तो बुरांश जो है वो उत्तराखंड का स्टेट ट्री है। तो ये हमने जो राज्य वृक्ष हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, वो हमने जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट अगर हम देखेंगे तो 82.80 है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 82.80 हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। इसमें मेल लिटरेसी रेट भी आता है, फीमेल लिटरेसी रेट भी आता है। तो कितना है मेल लिटरेसी रेट? मेल लिटरेसी रेट है 89.53%। और उसी तरह फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट है 75.93%। ये मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये भी आपको पता चल गया, तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से सबसे अधिक लिटरेसी रेट कौन से जिले का है? तो 12 जिलों में से जो सबसे अधिक लिटरेसी रेट है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का 88.15% जो है वो सबसे अधिक लिटरेसी रेट माना जाता है। इसके अलावा आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट भी पता होना चाहिए। वो HS में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, उनका लिटरेसी रेट दे दिया जाएगा। इतने डीप में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट आपका बता दीजिए, फिर बाकी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो भी जाते हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 186, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सबसे पहली जो हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस थी हाईकोर्ट की, वो कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। ऑप्शन ए जो है वो सही है। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो था वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी। ये जो श्रीमती लीला सेठ थी, ये कब जस्टिस बनी थी चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट की? तो चीफ जस्टिस बनी थी 1991 में, ये भी आप याद रखिए। अब 1991 में तो ये चीफ जस्टिस बनी, ये बात भी आपको पता चल गई। अब अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो 1971 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो पहले चीफ जस्टिस थे श्री हिमदुल्ला बेग, इनका नाम आप याद रखिए, ये पहले चीफ जस्टिस थे हिमाचल हाई कोर्ट के। अगर महिलाओं की बात की जाए हिमाचल से, तो हिमाचल प्रदेश की पहली
जो महिला राज्यपाल थी उनका क्या नाम था, तो वो थी श्रीमती शीला कौर, इनका नाम आप याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला जो लोकसभा के लिए चयनित हुई थी वो कौन थी, तो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला सदस्य थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, इनका नाम भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक वर्षा धर्मशाला में होती है, ऑप्शन सी सही आंसर। तो कुछ दिन पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इंडिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, वो आप कमेंट करके बता देंगे कि इंडिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है वो भी बिल्कुल ईजी है, वो भी आप कमेंट करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी किसे कहते हैं, मंडी को जो है वो मिनी काशी कहा जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छोटी काशी भी कई बार लिख कर आ जाता है, तो छोटी काशी मंडी को ही कहते हैं, या वाराणसी ऑफ हिमाचल किसको कहते हैं, तो वाराणसी ऑफ हिमाचल जो है वो भी मंडी को ही कहते हैं। लिटिल तिब्बत के नाम से किसको जाना जाता है, तो लिटिल तिब्बत के नाम से लाहौल स्पीति को जाना जाता है। मिनी ल्हासा किसको कहते हैं, मिनी ल्हासा जो है वो धर्मशाला को कहा जाता है। लैंड ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की घाटी किसको कहते हैं, तो अंगूरों की घाटी रिब्बा यानी कि किन्नौर को कहा जाता है। चंबा घाटी को किस नाम से जाना जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी के नाम से चंबा घाटी को जाना जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। उसी तरह वैली ऑफ गॉड्स किसको कहते हैं, कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स जो है वो कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। 189 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपसे पूछा गया है तो रेणुका झील जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रेणुका झील कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है रेणुका झील। उसी तरह लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है वो गोविंद सागर झील को कहा जाता है, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए। उसी तरह लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगरी ग्लेशियर को कहा जाता है, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीन चार जो बने हैं यहाँ से वो आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया है बक्सी प्रताप सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे, बक्सी प्रताप सिंह जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर बक्सी प्रताप सिंह की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर के चढ़ियार गांव में जो था वो हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को 1931 में ज्वाइन किया था और आज़ाद हिंद फौज को 1942 में ज्वाइन किया था। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके पास काम नहीं करता तो आप @allexam31 लिख के जो है स्मॉल लेटर्स में अपने टेलीग्राम पे सर्च कीजिए। 7,700 से अधिक फॉलोअर हमारे हैं टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये जो डुंगरी मेला है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है, डुंगरी मेला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डुंगरी मेला जो है वो किसको समर्पित है, डुंगरी मेला जो है वो हडिम्बा माता को समर्पित है, ये कुल्लू के मनाली में लगता है। ये डुंगरी मेले के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है पत्थर का खेल, पत्थर का खेल हलोग में होता है, हलोग शिमला में पड़ता है। भैंसों का मेला कहाँ पर होता है, तो भैंसों का मेला जो है वो मशोबरा शिमला में होता है। सिप्पी मेला कहाँ पर होता है, सिप्पी मेला भी मशोबरा शिमला में होता है। बाबा बड़वाग सिंह मेला, ये जो बड़वाग सिंह मेला है ये ऊना के मैडी में होता है। और फुल्लैच फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स फेयर्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिलोकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो त्रिलोकनाथ मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये जो है ये उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। उदयपुर यानी कि लाहौल स्पीति में ये पड़ता है त्रिलोकनाथ मंदिर। अब लाहौल स्पीति में ये मंदिर पड़ता है, तो लाहौल स्पीति में मंदिर तो आपको एक त्रिलोकनाथ याद रखना है, लाहौल स्पीति में इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज पड़ती हैं। ये मोनेस्ट्रीज कौन कौन सी है, जैसे कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री ये कहाँ पर है, ये लाहौल में पड़ती है। सासुर मोनेस्ट्री कहाँ पर है, तो सासुर मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल में स्थित है। कारदंग मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो कारदंग मोनेस्ट्री ये भी लाहौल में स्थित है। तायुल मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो तायुल मोनेस्ट्री भी लाहौल में ही स्थित है। और ताबो मोनेस्ट्री जिसको अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है ये भी लाहौल में ही स्थित है। अब ये तो मोनेस्ट्रीज के बारे में हो गया, अजंता ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है, ताबो मोनेस्ट्रीज को। एलोरा ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन
नंबर 32 देखिए, 32 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो चुहार घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो चुहार घाटी कहाँ प्रसिद्ध है? ये मंडी में पड़ती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बलह वैली कहाँ पर स्थित है? बलह वैली कहाँ पर है? ये भी मंडी में ही पड़ती है। इसके अलावा वैली ऑफ हनी और मिल्क किसको कहते हैं? चंबा वैली को कहा जाता है वैली ऑफ हनी और मिल्क। और बसपा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है। कियारदादून घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कियारदादून घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है जाखू हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो जाखू पहाड़ियाँ हैं ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में पड़ती है? ऑप्शन ए शिमला में पड़ती है। सभी को पता है शिमला में पड़ती है, जाखू मंदिर भी है शिमला में, तो वहाँ से आसानी से आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। जाखू के अलावा पॉटर हिल कहाँ पर है? पॉटर हिल जो है ये भी शिमला में ही पड़ती है। अब जाखू टेम्पल की बात हुई है, ये भी आपको पता है कि ये लॉर्ड हनुमान को डेडिकेटेड है। यहाँ पर हनुमान की मूर्ति है जिसको आप शिमला से आसानी से देख सकते हैं। दूर दूर की इनके शिमला में जब आप एंटर करेंगे तब आपको ये पहाड़ी दिखाई देती है। ये मंदिर भी आपको दिखाई देता है, जो हनुमान जी की ऊंची मूर्ति है वो भी आपको दिखाई देती है। इस ऊंची मूर्ति की हाइट कितनी है? तो अप्रोक्सीमेटली 108 फीट इसकी हाइट है। अब 108 फीट इसकी हाइट है, ये जो जाखू टेम्पल में मूर्ति है इसको कब जो था इसका उद्घाटन किया गया था या फिर कब इसका काम हुआ? 2010 में जो था ये बनी थी। ये सब आप यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है वैद्य सूरत सिंह बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैद्य सूरत सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो वैद्य सूरत सिंह की बात की जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी सिरमौर जो है वो सही है। अब ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते हैं, इनके बारे में एक और चीज़ बता होनी चाहिए कि इनकी जो था वो मृत्यु कब हुई? तो 1992 में जो था इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जो था वो पझौता सत्याग्रह जो हुआ था उसमें भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, और ये एक फाउंडिंग मेंबर भी थे सिरमौर प्रजा मंडल के। ये सब आप इनके बारे में याद रखिए, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम क्वेश्चंस को रिवाइज करें, और जितनी बार हम क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हम पेपर में जो है वो क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे और सही आंसर जो है हम टिक कर पाएंगे अगर क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बार बार रिवाइज करनी पड़ती हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंसली।